नमस्कार दोस्तों, दांपत्य जीवन सुख से बीते और हमेशा दांपत्य जीवन में सुखी रहे तो उसके लिए कुछ आसान से उपाय हैं। यदि आप उन उपायों को अपनाते हैं तो वह उपाय आपकी जिंदगी को रोशन कर देते हैं ताकि आपके जिंदगी में कभी कोई परेशानी ना आए। जानते हैं ऐसे कौन से उपाय हैं। नंबर एक, यदि आपके बेडरूम में एक खिड़की जरूर होनी चाहिए। हम अक्सर कहते हैं कि हमेशा प्रकाश का आना आपके घर में अनिवार्य होता है, क्योंकि ज्यादातर प्रकाश की किरणें जब भी आपके घर में प्रवेश करती हैं तो वह सारी परेशानियां और आपके जितने भी बीमारियां होती हैं उन सबको विनाश कर देती है या फिर खत्म कर देती है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा सुख में रहे तो उसके लिए आप अपने बेडरूम में एक खिड़की अवश्य लगवाएं ताकि सुबह उठने पर आपको प्रकाश नजर आए या फिर प्रकाश की किरणें आपके घर में या फिर आपके कमरे में प्रवेश करें। ऐसा करने से आपके बीच में छोटी मोटी भी लड़ाई बाहर निकल जाती है और आपके जीवन में हमेशा प्यार बना रहता है। नंबर दो, यदि आप चाहते हैं कि आपके बीच में हमेशा प्यार बना रहे तो आप हमेशा ध्यान दें कि आपके पलंग के पास बिल्कुल भी ड्रेसिंग टेबल ना लगाएं। यदि ड्रेसिंग टेबल अवश्य है कि आपको लगाना ही है, कमरा छोटे की वजह से आपकी व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो आप ड्रेसिंग टेबल पर उस मिरर पर आप पर्दा डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपकी परछाई नजर नहीं आएगी और आपके तनाव भी महसूस नहीं होगा। अक्सर देखा जाता है जब आप अपने आप को ज्यादातर सोते समय देखते हैं या फिर किसी भी अवस्था में शीशे में देखते हैं तो उस अवस्था का नकारात्मकता भी नजर आती है। यदि आप सोते समय उस मिरर पे अपनी तस्वीर दिखाई दे रही है तो वह आपकी नकारात्मकता को बढ़ा देती है और आपकी चिंताओं को भी दोगुना कर देती है, तो आप मिरर पर पर्दा जरूर डालें। नंबर तीन, यदि आप चाहते हैं कि आपके बीच में हमेशा सामंजस्य रहे, प्यार बना रहे, तो उसके लिए आप अपने कमरे में दो सुंदर से पॉट लगा सकते हैं। उसमें अच्छे अच्छे फ्लावर लगाएं और फ्लावर सूखने के बाद उसे बदल दें। आर्टिफिशियल पौधे कभी भी अपने घर में ना लगाएं क्योंकि वे नकारात्मकता को बढ़ाते हैं और नकारात्मकता को बढ़ाने के बाद वे आपकी जिंदगी में जहर भी घोलते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि ऐसे पौधे लगाएं जो सुंदर भी हो, आकर्षित भी हो, और कांटेदार पौधे बिल्कुल ना लगाएं क्योंकि कांटेदार पौधे आपकी जिंदगी में और भी ज्यादा नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हमेशा प्यार रहे, लाल कलर के फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं और गमलों में सजाकर अपने बेडरूम को भी सजा सकते हैं। नंबर चार, यदि आप चाहते हैं कि आपके बीच में हमेशा प्यार रहे और हमेशा कभी भी प्यार की कमी महसूस ना हो तो उसके लिए आप लाल कलर के कैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने कमरे को और भी अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं या फिर आप अपने कमरे में ऐसी व्यवस्था रखें जहां पर आप कैंडलों को अच्छे से डेकोरेट करके फ्लावर बिछा कर या फिर अपने कमरे को और भी ज्यादा उत्तेजन या फिर लविंग बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके पति के दिमाग में सिर्फ आपकी ही तस्वीर हो तो आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। नंबर पाँच, यदि आप चाहते हैं कि आपके बीच में हमेशा प्यार बना रहे तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने घर में छोटे छोटे बर्ड लगा सकते हैं जो कि जोड़े के हिसाब से हो, जैसे कि आप बतख लगा सकते हैं, मोर लगा सकते हैं या फिर हंस और हंसनी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके बीच में हमेशा प्यार बना रहेगा, खुशियां रहेंगी और आपके बीच में प्यार होने की वजह से भी तनाव नहीं होगा। नंबर छह, हम सभी जानते हैं कृष्ण भगवान और राधा जी के बारे में। वह एक मिसाल है, वह हम सभी जानते हैं क्योंकि सभी लोग उनकी मिसाल हर कोई देता है। जो भी प्यार करने वाला हो और जो अपने प्यार को समझने वाला हो वह लोग राधा कृष्ण की मिसाल देते हैं। तो आशावादी राधा और कृष्ण की जोड़ी को आप अपने घर में या फिर अपने बेडरूम में थोड़ी सी जगह दीजिए। अगर आप अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की तस्वीर को लगाते हैं तो वह आपकी जिंदगी में भी प्यार बना देता है। तो आप अपने घर में तस्वीर ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर आपको राधा कृष्ण की तस्वीर नजर आए लेकिन पैरों की साइड बिल्कुल ना लगाएं। और सोते समय भी ध्यान दें कि यदि आप सो रहे हैं तो सोते समय आपके पैर बिल्कुल भी दरवाजे पर ना हो। हमने अक्सर देखा है जब भी हम सोते हैं तो सोते समय हमारा सर तो दीवार की साइड होता है लेकिन हमारा जो पैर होते हैं वह हमारे दरवाजे की साइड होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वह नकारात्मकता को बढ़ा देते हैं और आपके बीच में हमेशा सामंजस्य जो बढ़ा हुआ है वह घटना शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों का रखें खास ख्याल यदि आप चाहते हैं कि आपके और आपके पति के बीच में हमेशा प्यार बना रहे। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।